नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी लौकी की सब्ज़ी। आप एक बार मेरे तरीके से लौकी की सब्ज़ी बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। जिनको लौकी नहीं पसंद है वो भी इसे बहुत ही स्वाद से खाएंगे, बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आने वाली है। और इसमें मैंने बहुत ही कम तेल मिर्च मसाला डाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी सी लौकी की सब्ज़ी। अगर आपको मेरी ये सिंपल और इजी लौकी की सब्ज़ी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी सी लौकी की सब्ज़ी। चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी की सब्ज़ी। मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है अच्छी सी फ्रेश, उसको मैंने छील कर अच्छे से कट करके रख लिया है। साथ में ले लेंगे हम हींग, हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और लहसुन। मैं यहाँ पर ढेर सारे लहसुन का इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि जो लौकी मैं बनाती हूँ उसमें लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। शुरू करें लौकी बनाना। आज ये लौकी की सब्ज़ी मैं कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी, मैं कुकर में बनाऊँगी क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और इस समय पर समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए फटाफट हम कुकर में ये इजी सी सब्ज़ी बनाएंगे लौकी की और टेस्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया है। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें तेल हमेशा अच्छे से गरम कर लेना चाहिए क्योंकि जब कच्चा तेल होगा ना तो सब्ज़ी के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कच्चे तेल में। तेल अच्छे से पका होगा तो सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चल जाती है। जैसे ही तेल गरम होगा हम यहाँ पर डाल देंगे ये हींग। मैंने अच्छे से 3 से 4 चुटकी हींग ली है क्योंकि लौकी काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर हम ले लेंगे जीरा, मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है। ढेर सारा यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है। आपको अगर लहसुन नहीं पसंद है तो आप ना डालें, वैसे लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं यहाँ पर करी पत्ता की लीव्स ले रही हूँ, मुझे इसका पर्सनली फ्लेवर अच्छा लगता है और मेरे लॉन में ये पौधा भी लगा है, इसलिए मैं कोई भी नमकीन चीज़ बनाती हूँ तो इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब हम ले लेंगे हरी मिर्ची, इनको भी हम अच्छे से भून देंगे और आँच को बंद कर देंगे। जब हरी मिर्च डालें तो आँच को हमेशा बंद कर दें। अब यहाँ पर लूँगी मैं मसाले, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मैं यहाँ पर आधा चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर ले रही हूँ। आपने हरी मिर्ची डाली है, अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो फिर आप लाल मिर्ची छोड़ सकते हैं। और 1 चम्मच हल्का सा भरकर ले रही हूँ मैं धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। सभी मसालों को हम अच्छे से तेल के साथ भून लेंगे और इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी मसालों को भूनते समय। मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर, ये देसी टमाटर है और ये खट्टा भी होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं। यहाँ पर जो टमाटर का रस है ये हमारे मसाले उसी में अच्छे से भुन जाएंगे। टमाटर डालने के बाद आंच को धीमा कर दीजिए ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। आंच को धीमा रखेंगे फिर भी हम मसालों को चलाते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम चलाएंगे नहीं तो मसाले जल भी सकते हैं। इस तरह से मसालों को बहुत अच्छे से टमाटर के साथ भून दें। आप चाहें तो ढककर भी पका सकते हैं, आंच को मीडियम कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
मसाले कितने अच्छे से भुन गए हैं बिना पानी के। मैंने यहाँ पर टमाटर के रस के साथ ही उनको अच्छे से भून लिया है और ये गल भी गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये धुलकर और काटकर जो अपनी लौकी रखी है ना, इसको हम मसाले में डाल देंगे और अच्छे से लौकी और मसाले इस तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं ज़रा भी पानी नहीं डालूँगी, आँच को धीमा करूँगी और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि लौकी हल्का सा मॉइस्चर छोड़ती है। पानी डाल देंगे तो पंछीटापन आ जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी ताकि मेरी लौकी बहुत अच्छे से पक जाए, और आँच को धीमा रखेंगे। तब तक हम कोई दूसरा काम कर लेते हैं। लीजिए, यहाँ पर हमारी लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मैंने 4 सीटियाँ लगा दी हैं। अब हम कुकर को ठंडा हो जाने देंगे, प्रेशर आराम से निकल जाए, उसके बाद हम इसको सर्विंग बोल में डालेंगे। और जब तक हमारी यहाँ पर सब्ज़ी बनी है ना, तब तक मैंने साइड में रोटियाँ भी बना ली हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारी लौकी की टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है।